दोस्तों आज हम बात करेंगे 2021 में आने वाले Samsung Neo QLED TVs के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये Samsung Neo QLED TVs इंडिया में भी जल्दी लॉन्च होने वाले हैं और हमें इसकी जानकारी अपने सोर्सेस से मिल चुकी है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि सोनी ने अपने 2021 टीवी सीरीज के पहले स्मार्ट टीवीज को इंडिया में लॉन्च ऑलरेडी कर दिया है, तो अब फिर Samsung पीछे कैसे रह सकता है। तो Samsung भी इन सोनी टीवीज को टक्कर देने के लिए इंडियन मार्केट में अपने Samsung Neo QLED TVs भी लेकर आने वाला है। और दोस्तों मैंने Samsung Neo QLED टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे वर्क करती है और साथ ही इन आने वाले Neo QLED TVs पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जिसे आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया है। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखें। अब दोस्तों इस लेटेस्ट Samsung Neo QLED टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाले चार स्मार्ट टीवी सीरीज इस साल Samsung ने लॉन्च किए हैं, विच इज Samsung QN900A Neo QLED 8K स्मार्ट टीवी, Samsung QN800A Neo QLED 8K स्मार्ट टीवी, Samsung QN90A Neo QLED 4K स्मार्ट टीवी एंड Samsung QN85A Neo QLED 4K स्मार्ट टीवी। अब दोस्तों अंदाजा यही है कि Samsung Neo QLED TVs के 4K वेरिएंट्स इंडिया में लॉन्च करने वाला है, और वो भी 43 इंच से लेकर 85 इंच स्क्रीन साइज तक, और ये टीवीज 2021 के मिड तक इंडियन मार्केट्स में लॉन्च हो सकते हैं। और इन टीवीज के एक्सपेक्टेड प्राइसेस मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों इन Samsung Neo QLED टीवीज के एग्जैक्ट प्राइसेस क्या होने वाले हैं, क्या ये सोनी के X80J और X90J टीवीज को पिक्चर क्वालिटी के मामले में पीछे कर पाएंगे, और अगर पिक्चर क्वालिटी में अच्छी खासी टक्कर दे देते हैं तो क्या ये प्राइस के मामले में भी एक अच्छा ऑप्शन बन पाएंगे या नहीं, ये तो हमें लॉन्च के बाद ही पता चलने वाला है। तो आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको Samsung Neo QLED TVs की सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलती रहे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। थैंक यू।